तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पोमेरियन डॉग के डाइट प्लान के बारे में और जानेंगे कैसा होना चाहिए इनका डाइट प्लान। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक पोमेरियन डॉग ब्रीड के लिए जो है उसका डाइट प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको अच्छा डाइट मिलता है तो उसकी अच्छी हेल्थ और अच्छे ग्रो करेगी हेल्थ, और उसको कोई डिजीज या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अगर आपके पास एक पोमेरियन डॉग ब्रीड है और आप चाहते हैं कि उसके लिए अच्छा डाइट प्लान होना चाहिए, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप एक नया डॉग एडॉप्ट कर रहे हो तो जब तक वो 1 मंथ का नहीं होता तब तक आप उसको घर पे मत लेके आइएगा, क्योंकि जो 1 मंथ तक उसको जो है मदर मिल्क मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको पूरा जो है मदर मिल्क नहीं मिलता तो दोस्तों उसकी जो आगे जाके हेल्थ बहुत ही इंक्रीज़ नहीं होगी, और उसको जो विटामिन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलती। इसलिए जितना हो सके उसको मदर मिल्क मिले उतना ही काफ़ी आपके डॉग के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आगे जाके एकदम हेल्दी और फिट रहेगा। तो जब तक आपका डॉग 1 मंथ का नहीं होता तब तक आप उसे घर पे मत लेके आइएगा, और जितना हो सके उतना मदर मिल्क उसको दीजिएगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम अगर 1 मंथ के बाद आप घर पे लेके आते हो, 1 मंथ से लेके आपको 3 मंथ तक उसको क्या देना है। तो दोस्तों अगर आप जो घर पे लेके आते हो तो एकदम से उसको जो है खाने को कुछ नहीं देना है, तो आपको जो नॉर्मली जो सेरेलैक्स आता है आपको डॉग शॉप में मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ पे कोई डॉग शॉप नहीं तो आप मेडिकल स्टोर से जो है सेरेलैक ला सकते हैं, तो वो भी आपको जो है 3 टाइम आपको देना है या फिर 4 टाइम आप दे सकते जैसे आपकी डॉग की भूख है उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा देना है। और आपको जो है थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके उसको देना है, जिसके कारण वो अच्छे से घुल मिल जाएगा और वो अच्छे से खा लेगा। और फ्रेंड इसके साथ साथ मिल्क रिप्लेसर भी आता है, वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं और वो भी दे सकते हैं, वो भी डॉग के लिए काफ़ी अच्छा है। और जब भी आप डॉग घर पे लेके आते हो तो उसके साथ एक दवा आती है, वो जो है आप डॉक्टर की राय लेके दे सकते हो, जैसे उसका मदर मिल्क बंद हो जाता है और जो है आप जो उसको सेरेलैक्स या फिर रिप्लेसर देते हो खाने में, तो उसके लिए वो दवा देनी ज़रूरी है, जिसके कारण उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे और आपकी डॉग की हेल्थ जो अच्छी रहेगी, तो आप वो भी उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको और कुछ भी उसको नहीं देना, घर का फूड या फिर घर का खाना या फिर बाहर के फूड उसको अभी तक नहीं देना, जब तक वो 3 मंथ का नहीं हो जाए तब तक। तो दोस्तों अब बात करते हैं 3 मंथ से लेके 4 मंथ तक आपको उसको क्या देना है। तो दोस्तों इस एज में आप जो है सॉफ्ट फूड उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टर डॉग फूड आता है मार्केट में वो भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छी कंपनी लगती है आप उसे दे सकते हैं, वो आपको जो है पानी में भिगो के आप उसे दे सकते हैं, थोड़ा सा नरम हो जाए जिसके कारण वो आसानी से खा लेगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस एज में उसकी जो हेल्थ वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो आप 2 दिन का गैप छोड़ के उसको राइस के साथ बॉइल्ड एग दे सकते हैं, जिसके कारण उसकी हेल्थ अच्छे से ग्रो होगी। और उसके साथ साथ आपको बॉइल्ड वेजिटेबल भी उसको देना है, ताकि उसका अच्छी हेल्थ भी बने और उसको विटामिन भी मिलता रहे, और इसके साथ साथ आप उसे ब्रेड भी दे सकते हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस एज में उसको ओवरफीड नहीं देना है, आपको जो है उसको भूख के हिसाब से उसको खाना देना है। आप ऐसा हो तो दिन में उसको 4 बार खाना दे सकते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर या शाम को या फिर सोते टाइम पे। अगर आप इस टाइम से उसको खाना देते हैं तो उसको जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, उसकी भूख भी मेंटेन रहेगी और उसको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अगर आप ज़्यादा ओवर फीडिंग करते हैं तो उसको जो है लेटरिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, पोटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, उसका डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होगा। तो ध्यान रखिएगा कि उसका जो जैसी भूख है उस हिसाब से आप उसे खाना दे सकते हैं। और इन चीज़ों के साथ साथ आपको जो है उसको दही छाछ भी देना है, जिसके कारण उसका शरीर ठंडा रहे, उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आप 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आप उसे क्या दे सकते हैं। तो इस एज में आपको जो है दही छाछ तो चालू रखना है, उसके साथ साथ आप उसको घर का खाना दे सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी रोटी हुआ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसको कोई तीखा या कुछ मीठा आपको ज़्यादा खाने को नहीं देना, जिसके कारण उसको हेयर लॉस हो सकती है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको उसको इस एज में कच्चा मीट बिल्कुल ही नहीं देना, और जितना हो सके उतना आप उसको फ्रेश पानी दीजिएगा, और फ्रूट भी चालू आप रख सकते हैं, जैसे आप घर में फ्रूट खाते हैं उसको आप उसे फ्रूट दे सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो उसको जो है एग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट एग आपको जो है बॉयल करके देना है, और बॉयल करके आप वेजिटेबल भी जो है स्टार्ट रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि खाने के साथ साथ जो उसको एक्सरसाइज और ट्रेनिंग भी ज़रूर कराए। अगर आप उसको जो है खाना दे रहे हैं बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसके साथ नहीं खेल रहे, उसको जो है जितनी एक्सरसाइज चाहिए, जितना वॉक पे वो चलता है उतना नहीं होता, तो उसकी जो हेल्थ इंक्रीज़ नहीं होगी। तो उसके अच्छी से एक्सरसाइज और ट्रेनिंग आप ज़रूर कराएं।
दोस्तों अब बात करते हैं 6 से लेकर 12 मंथ तक आपको क्या देना है। तो दोस्तों इस एज में उसको डॉग फूड तो चालू रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो डॉग फूड दे रहे हैं उससे उसकी जो है वेट हाइट अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, अच्छे से खा नहीं रहा, तो आप डॉग फूड चेंज करके अच्छी कंपनी का उसको दे सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जो आपको डॉक्टर की राय लेके उसको मल्टीविटामिन टैबलेट्स और डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन तो कंप्लीट करवाना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसको प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है। और आपको नॉनवेज जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, बट नॉनवेज आप दे रहे हो तो उसको बॉयल करके देना है, एग भी दे सकते हो, जिसके कारण उसको अच्छे से प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा और अच्छी उसकी हेल्थ बनेगी। और अगर आप घर का खाना दे रहे हो तो आप घर का खाना भी उसे दे सकते हो, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको ओवर फीडिंग ना दे या ज़्यादा खाना उसको ना दे, नहीं तो उसको बीमार हो सकता है या फिर ओवरवेट हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम 12 से लेकर 15 ईयर तक उसको क्या देना है। जैसे डॉग आपका एडल्ट हो जाए तो आप जो है पपी फूड बंद करके जिसको उसको एडल्ट फूड दे सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है, एक साथ आपको बंद नहीं करना, आपको 2-4 दिन का जो है धीरे धीरे करके उसको जो है एडल्ट फूड जो है स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन होती है या फिर विटामिन्स की दवा होती है वो भी आपको चालू रखनी है, जिसके कारण वो बाहर के पत्थर या फिर गंदगी ना खाए या फिर उसको कुछ और विटामिन्स की कमी हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसलिए आप जो दवा चालू रखिएगा मल्टीविटामिन्स की, और साथ साथ में उसको एक्सरसाइज प्रॉपरली ट्रेनिंग जरूर कराए, जिसके कारण उसकी हेल्थ ना बिगड़े और उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और आप जो है उसको दही छाछ भी उसको दे सकते हैं, जिसके कारण उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे। आपका पपी का जो वेट नहीं ग्रो कर रहा है तो आप नॉनवेज भी स्टार्ट रख सकते हैं, आपको जो है एक एक दिन का गैप छोड़ के बॉयल्ड एग या फिर नॉनवेज आप उसको खाने को दे सकते हैं। और आपका डॉग जो है एडल्ट हो गया तो आपको जो है दिन में उसको 2 बार खाना देना है, खाना आप जो उसको टाइम टू टाइम दीजिएगा, जिसके कारण उसकी भूख मेंटेन और अच्छी रहे। तो दोस्तों इसके साथ साथ उसको एक्सरसाइज, अच्छा फूड, डॉग फूड अच्छी कंपनी का दीजिए, अच्छे कंपनी विटामिन दीजिएगा, डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम जरूर कीजिएगा, जिसके कारण आपके डॉग हेल्दी और कोई प्रॉब्लम या डिजीज उसको नहीं होगी। तो आप चाहे तो जो है मंथली या फिर 2 महीने के बाद जो है अपने डॉग को जो है डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप कराने ले जाए, जिसके कारण अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर डिजीज हो तो आपको पता चले और आपके डॉग जो है अच्छा रहे और फिट रहे और जल्दी से उसका इलाज हो सके। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी कि पोमेरियन डॉग का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट मैंने बताए, तो आप इसे फॉलो करके आपके डॉग को जो है हेल्दी बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।